वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जो चाहिए हर एक चीज़ मिले, सेकेंड मिलेगा, नया मिलेगा, सब मिल जाएगा। हमने अपने लाइफ में तो कभी पकड़ा नहीं था ये गोल्फ का स्टिक, आज हाथ में पकड़ के देख रहे हैं। सजिल भाई ने ये डायनासोर ले लिए, इनको जो मिला है बहुत ही बेहतरीन प्राइस में मिला है। वो एक अनबिलीवेबल और अनफॉरगेटेबल मैच है, वो हमेशा याद आता है। जब भी शारजा आप स्टेडियम देखते हो तो वो मैच हमेशा याद आता है। रेस्टोरेंट बंद है, यहाँ पे बहुत सारे शीशा शॉप हुआ करते थे, बहुत सारे कॉफी शॉप हुआ करते थे और इतनी पब्लिक इस टाइम में होती थी, आज यहाँ पे एक आदमी नहीं है। ए गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस हम लोग पहुंचे हैं शारजा में। शारजा में आते साथ हम लोग को जो फीलिंग आई है, हम पहुंचे हैं कुर्ला में, करिए है कि ना सरजी भाई, सेम कुर्ला की याद है ना। शारजा वहीं के वहीं जैसे के जैसा था, कई साल पहले देखे थे, आज भी वैसे ही लग रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है शारजा में। आपको दिखा देते हैं, हम लोग एक्चुअली आए थे, आपको बता दो, हमको लेना था माइक्रोफोन। सरजी भाई ने बोला कि यहाँ पे बहुत ही सस्ता मिलता है, गोडाउन टाइप है, कोई होलसेल वाला मार्केट है, चलते अंदर और देखते क्या क्या चीज वहाँ पे अवेलेबल है। अंदर एंट्री मारते रहते, भाप मारने लग गया एकदम, पैक्ड है पूरा, वो एसी नहीं है लेकिन पूरा लगा हुआ भाई यहाँ पे तो एकदम मार्केट में। हाँ सब सेकंड हैंड है क्या, नया भी है, मिक्स है, सेकंड भी है, नया भी है। डेजर्ट स्टोम बोलते हैं ना गाइस, डेजर्ट स्टोम स्टार्ट हो गया। ये मेरे बैक साइड में जो था ये होलसेल मार्केट है, ऐसा बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे। और अभी जैसे हम लोग बस एक शॉप से बाहर आए तो देख रहे हैं कि बाहर डेजर्ट स्टोम निकला है, ये देखो पूरा का पूरा जो है। अभी सरजिल थोड़ी देर में उड़ने वाला है, थोड़ी देर में ग्लास पहन लिया सरजिल ने, ग्लास पहन ले तू भी, मैं रख के आ गया गाड़ी में। अरे पूरा रास्ते में देखा कचरे, देख पूरे, ये ऐसी मार्केट बहुत सारे हैं यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, राइट साइड में भी, आगे भी बहुत सारा मम्मा, यही लाइन से पूरा वही है। हाँ ऐसा है भाई, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है अभी चेहरे पे। सीन ऐसा है गाइस यहाँ पर जो है, और अंधेरा भी हो गया अचानक से। सीन ऐसा है गाइस यहाँ पे बहुत सारे जो शॉप है जो सेकंड हैंड सेल भी कर रहे हैं, और कुछ जो है नए आइटम्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। जगह पे जाके चेक करते हैं, यहाँ पे शायद मिल जाए हमको माइक। गाइस ये मार्केट देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा मार्केट है, यहाँ पे हर टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको मिलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम मिलेंगे, यहाँ पे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जो चाहिए हर एक चीज़ मिलेगा, सेकेंड हैंड मिलेगा, नया मिलेगा, सब मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन वारंटी कुछ नहीं, आपकी गारंटी कुछ नहीं। अरे यार ये चीज़ को याद है क्या, पूरे मरते थे भाई इस चीज़ को यार खेलने के लिए, गेम को। हाँ वही गेम है वो, तेरा सुनील की दुकान है सुनील। अरे कितना पैसा इसमें डाले, बाप रे बाप, ये क्या गेम खेलते थे, बोला मारियो 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 सुपर मारियो भाई। बाइक का देख, हेलमेट देख, देखो टेबल चाहिए, टेबल मिल जाएगा भाई, टेबल अच्छी चीज़ है, टेबल सब चीज़ अच्छा है यहाँ पे। अब क्या प्राइजेस, क्या प्राइस निकाल सकता भाई, कितना वो साइड में रखने के लिए, रखने के लिए ना, बुक भी रखने। बाकी देखो इसके लिए टेबल के लिए चेयर, और टेबल के लिए चेयर तो ये सही है तेरे भाई। ये हेलमेट कितना प्यारा लग रहा, और इंडिया में तो ज़रूर ले लेता मैं। और सब गेमिंग एंड फोर जितना भी है, JVC नाम देख, ये देख भाई एयरपोर्ट, एयरपोर्ट चलेगा क्या, क्या प्राइस है इसका, 80 कितना, 80 डांस वांस सब करते बताएंगे देखे। उस दिन हम लोग आए थे, पसीने से भीग गया हम लोग। हम लोग खड़े हैं वहाँ पे, इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन अभी भाई साहब ने बताया कि ये उनके लिए जन्नत है, कि अब जो मौसम है बहुत ठंडा है, लेकिन पहले बोलते हैं एक महीना पहले इतनी गर्मी थी यहाँ पे, पतलून गीली हो जाती थी कहते। ये म्यूजिक का क्या, म्यूजिक देखो ना,
ये तो घर पे रख सकते ना, पार्सल कितने में आता भाई जान? कितने तक आता? 850 का। हर एक सेम प्राइस है अलग अलग प्राइस? नहीं, वो सारे जो 750 वाले। अच्छा, वो 750 है, खाली ये 850 है। सब पार्टनर है। इसके लिए लाइसेंस नहीं लगता? लाइसेंस लगता है इसके लिए? नहीं, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत है ना। अच्छा, बाइसाइकिल में आ जाएगा इसका। हाँ, मालूम डिलीवरी के लिए। डिलीवरी साइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मालूम नहीं पड़ता। हाँ, ओके उसकी वजह से। हाँ, सही है। ओके फिर आप इसका बॉक्स निकाल देंगे ना बैटरी का? हाँ, इसके अंदर बॉक्स है बैटरी का, चार बैटरी। ओके, वो निकालो तो आप पैडल भी मार सकते हो। निकालो बॉक्स, एक साइड लगा दो, साइकिल बना के। सही है साइकिल है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ये तो वो तो उसके वर्कर का है ना, उसका तो अपने हमेशा के लिए 70 का है। 70 हर एक आइटम यहाँ पर मिलेगा, जो आप सोचते हो ये सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ट्रेडमिल देखिए यहाँ पे, ट्रेडमिल डमोज ये मिल जाए, काम हो जाए भाई, यही तो चाहिए। ये लेके आगे जिम में रख देंगे। ये नहीं, ये इसमें पतला वाला भी ना, पे वो वाला भी ना, रॉड के लिए। ये हैवी है, खाली रॉड मिल जाए तो काम हो जाएगा। ये हैवी है ये डमोज ना सजीन, ये बहुत इफेक्टिव डम्बल्स हैं। ये जो इसका शिम है बहुत परफेक्टली बैठता है ये, और एकदम देखा एकदम परफेक्टली बैठेगा और तेरे को बहुत इफेक्टिव लगेगा करते समय। ऐसा हिसाब है इसका? ये अभी छोटे वाले दो लेने का रहेगा तो इसका क्या प्राइस है? 80 दिरहम है इसका सर। पूछ कुछ चलता होगा शोर, ऐसा पी एस कर गए नहीं चलता वापस ला के देंगे बोलो। गाइस, साइकिल वगैरह भी यहाँ पे जो सेकंड हैंड मिल जाता है, ये आप देख रहे हैं सेकंड हैंड साइकिल है यहाँ पे। इसके प्राइजेस चेक करते हैं हम लोग कितना है करके। इलेक्ट्रिक बाइक, ये साइकिल कितना आएगा भैया? 250 में आएगा वो भी सेम। और वो क्या नया है क्या वाला? वो नया है क्या? वो नया साइकिल है? वो दो नए है क्या? और ये जो ब्लैक वाला यूज्ड है क्या? 250 बोलेगा तो 25 में। गाइस, ये आइटम देख रहे हैं आप, ये सर्फिंग में यूज़ करते हैं ना, ये है ये भी यहाँ पे सेल करते हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया यार, अच्छा क्वालिटी लग रहा है। गाइस, ये देख रहे हैं आप, गोल्फ़ का स्टिक है, बहुत ही कॉस्टली आता है वो, यहाँ पर सेकेंड हैंड लगा हुआ है। हमने अपने लाइफ में तो कभी पकड़ा नहीं था ये गोल्फ़ का स्टिक, आज हाथ में पकड़ के देख रहे हैं। इसमें भी अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप के होते हैं। ये देखो, ये छोटे साइज में होता है, यानी डिफरेंट शॉर्ट्स के लिए डिफरेंट है। पूरा किट रखा हुआ है इसका। तो भाई सर्जिल ने जो है ये बॉक्स, ये जो है डायनासोर परचेज कर लिया बेटे के लिए, देखो तो बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला। बता सर जी, दिखा कैसा दिख रहा? ओके, ये है वो डायनासोर। ओके, मिस्टर सर्जिल खेलेगा रोज रात में, खेलेगा रोज रात में, खेलेगा सर। अब ये डायनासोर के साथ बैठ के कहाँ जाएगा? दो चक्कर लगा के आ सकते हैं इंडिया के, बैठ के उधर अपन जिम जाएंगे ना भाई, इस पे जिम जा सकते हैं। ये तो सर्जिल भाई ने ये डायनासोर ले लिया, इनको जो मिला है बहुत ही बेहतरीन प्राइस में मिला है। ये मिला है इनको 90 दिरहम्स में, यानी 90 दिरहम बोले तो इंडिया का हो गया ऑलमोस्ट जो है 2200 के आसपास, लेकिन वर्थ है। ये सेकेंड हैंड मार्केट में जो है ये प्राइस बहुत ही अच्छा प्राइस है, वरना नया लेने जाएंगे आप बहुत महंगा मिलता है। मैंने परचेस कर लिया है यहाँ पर एक बढ़िया सा माइक्रोफोन, ये देख रहे हैं आप माइक्रोफोन, ज़रूरत थी बहुत माइक्रोफोन की। तो अरे भाई चल रहा आ रहा, हमने जो मार्केट में एंट्री किया, जहाँ से शॉपिंग की है, वो मार्केट का नाम है अल कमल, यहाँ पे लिखा है अल कमल ट्रेडिंग, इसमें से हमने शॉपिंग किया। यहाँ पे बहुत सारे शॉप है इसी तरीके से। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई, टॉयज़ के रिलेटेड कोई भी आइटम आपको परचेस करना है तो आप यहाँ से आगे परचेस कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते में मिला हमको। लेकिन आपको जो है नेगोशिएट करना आना मंतर, वो प्राइस ज़्यादा बोलेंगे लेकिन आपको जो है नेगोशिएट करना चाहिए, उसको बहुत कम प्राइस में आप उतारे उसके बाद में जो है वो आप परचेस कर सकते हो। तो सरजील भाई ने यहाँ पे डायनासोर परचेस कर लिए, बेल्ट ले लिए, लेदर का जेन्युइन बेल्ट मिल गया उसको। मुझे लेना था माइक्रोफोन, मैंने माइक्रोफोन ले लिया यहाँ से। और भी बहुत सारे शॉप है, हम आगे नहीं गए क्योंकि बहुत लंबा है और बहुत सारे जो स्टॉल यहाँ पे लगे हुए, ये होलसेल के मार्केट। ये देख रहे हैं आप, ये जो है शारजा स्टेडियम है,
क्रिकेट ग्राउंड जितने मैच चल रहा है, अभी भी कोई मैच चालू है यहाँ पे फिलहाल, तो जब भी कोई बॉल बड़ा हिट करता है तो यहाँ पर सड़क पे आता है बॉल जो भी हमें, और क्रिस गेल वगैरह मारते हैं ना, जाना चाहिए यहाँ पे यार। तो फ्री कभी जा सकते हैं। ग्राउंड हमेशा जो एक मेमोरेबल जो ग्राउंड रहा है, स्पेशली जब सचिन खेलता था, सचिन ने एक ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच खेला था, वो एक अनबिलीवेबल और अनफॉरगेटेबल मैच है, वो हमेशा याद आता है। जब भी शारजा आप स्टेडियम देखते हो तो वो मैच हमेशा याद आता है, वो सचिन वाला। क्या बोलते सचिन, तूफान आ गया था, तूफान कोको कोला क्लब था, कोको कोला कप था, और बहुत भारी बैटिंग किया था सचिन ने, वो अनफॉरगेटेबल जो है वो मैच था और वो इनिंग था जो खेला था उसने। तो गाइस अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, क्या नाम है मामा? ईरानियन कबाब है, ईरानी कबाब जो वहाँ पे बनता है। इसका नाम है रेस्टोरेंट का काली मारू करके, बहुत ही फेमस है काली मारू। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, मजा आएगा। तो ये जगह में जब भी आते हैं तो वो जगह मिस नहीं करते हैं, ऐसा कहता है मामा, क्योंकि वहाँ का अगर आपने कबाब नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, बहुत ही लाजवाब। बहुत रेयरली टाइम मिलता है ऐसा जगह में आने के लिए, मतलब हम लोग को सोचना पड़ता है आओ क्या नहीं आओ करके, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से हम लोग नहीं आ पाते, पर अभी हम लोग ये जगह में आए हुए तो बोले इसको भी कवर कर लेते हैं। चलो सही है, आज वहाँ का खाना टेस्ट करके देखते हैं, चलिए काली मारू। गाइस यही रेस्टोरेंट है काली मेरू, नाम इसका काली मेरू है, कैफेटेरिया, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कबाब मिलता है। चलते हैं अंदर खाते और टेस्ट करके देखते हैं। ये गाइस ये देख रहे हैं पूरा नेशनल डे की तैयारी, यहाँ पे अभी से एक महीना पहले से जो है लग चुका है, यहाँ पे ड्रेसेस है जितने भी, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है इनके और नेशनल फ्लैग के साथ में। गाइस रेस्टोरेंट थोड़ा छोटा है लेकिन खाना बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी है। मामा ने ऑर्डर किया बीफ स्टिक, खाकर देखते हैं। ये इसका स्टार्टर है, यहाँ पे स्टार्टर इस तरीके से मिलता है। ये क्या है, दही है ये? हाँ योगर्ट है। अच्छा योगर्ट है, साथ में जो आपको यहाँ पे ग्रीन सैलेड दिया। ये गाइस जो मैंने परचेस किया, मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले, जो हमने वहाँ मार्केट से परचेस किया था, ये है माइक्रोफोन ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल ही है, लेकिन आप ये शॉप से लेने जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलेगा आपको। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला, 25 दिरहम, यानी इंडियन रुपीस में हो गया कितना, 25 दिरहम बोलेगा तो 500 रुपये में पॉसिबल ही नहीं है कि ये आपको मिल जाए कहीं। सॉल्ट पे बन जाए, सॉल्ट पे योगर्ट जो खट्टा है, लेमन। ये रोटी देख सकते हैं, साइज बहुत ही बड़ा है रोटी का, और ये बहुत पतला है, जो तंदूर रोटी आता है वो अलग टाइप का आता है, ये अलग रोटी है, एकदम सॉफ्ट भी है, आप देख रहे हैं बहुत ही पतला है। गर्मा गर्म कबाब निकल रहा है, क्या बात है। एक टाइम में हम लोग 40-50 सीख खाते हैं, अभी तो मैंने फिलहाल 15 मंगाया हूँ, अभी देखेंगे हमारी कैपेसिटी क्या है, बट एक टाइम में हम लोग खाते थे 50-60 खाते थे। क्या होगा सर, खा लेगा 50? हाँ एक जगह मालूम नहीं पड़ेगा भाई, गर्मा गर्म है इसको निकालते हैं। सही है, अब तो खाने की तैयारी कर पाए, इसमें लगा देख लें पहले थोड़ा सा योगा था, थोड़ा सा। कबाब बहुत ही टेस्टी था जो हम लोग ने अभी ट्राई किया, यहाँ पे बहुत लाजवाब था, हमने बहुत अच्छी तरीके से खाए, फिर एक दोबारा फिर मंगाया हमने वापस। सरजी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, मामा तो हमेशा खाता कहता है यहाँ पे, जब भी आएगा तो यहाँ पे खा के जाते हो, तो बहुत अच्छा था। अगर आप लोग में से किसी को ट्राई करना तो आप बाकी कर सकते हैं, शारजा में है ये लोकेटेड, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है और बहुत ही सस्ता है। आपको बता दूँ एक चीज जो है सिर्फ 3 दिरहम का है और उसके साथ में आपको रोटी भी आएगा, बहुत बढ़िया।
गाइस ये मस्जिद आप देख रहे हैं ये बना है सतवा में, बहुत ही प्यारा लगा जब आप रास्ते में जा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है इसको। अंदर जाने का मौका नहीं मिला, फिर कभी जाएंगे वहाँ पर, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ताजमहल की तरह लग रहा है। गाइस जिस जगह पे मैं हूँ अभी उस जगह को कहते हैं लामेर, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पर क्राउड नहीं दिख रहा है। वीकेंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और आज पता नहीं मामा यहाँ पे घुमाने लेके आया था, लेकिन पब्लिक नहीं दिख रही, पूरी खाली हम ही दिख रहे इसमें, तो सोचे चलो आए हैं तो कम से कम जो है इस जगह का जो है वॉकिंग टूर कर लेते एक छोटा सा। ये है लामेर जो स्ट्रीट कहते हैं, यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट है, लोग यहाँ पे चलते हैं दिन में शाम के टाइम में वक्त बिताते हैं। इसके सामने ही आप देखेंगे तो बीच है इसके सामने और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन आज जो है पता नहीं कुछ काम चल रहा है या कुछ है जिस वजह से पूरा का पूरा बंद है, पूरा स्ट्रीट खाली पड़ा हुआ। भाई सीन क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रीट खाली क्यों है, बंद एकदम, ये क्या चीज़ है राइट साइड में। क्या लामेर बंद ही कर दिया कम्प्लीटली? ये सामने जहाँ पर हम लोग जा रहे बीच है वहाँ पे बहुत कम क्राउड लग रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे मालूम नहीं, लेकिन है पब्लिक, है कुछ कुछ पब्लिक दिखाई दे रही है हमारी तरह जो है भटके हुए। वो आप सामने देख रहे हैं गाइस वहाँ पर, वो जो है ये जो देख रहे हैं आप, ये है लगुना पार्क, वाटर पार्क है, हम वहाँ पर आए थे बहुत पहले और बहुत अच्छा वक्त बीता था वहाँ पर। एक सर्फिंग दिख रहा है, सर्फिंग का जो लगा हुआ वाटर बोर्ड, ये रियल है क्या सर्फिंग का, ये बोर्ड रियल बोर्ड है रे भाई? हाँ रियल बोर्ड है। हाँ हाँ ये देखो गाइस ऐसा बीच है, ये पब्लिक बैठी हुई है लेकिन बहुत कम है। हयात होटल सामने ये बीच है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ सर्जिल दिख रहा है यहाँ पे भटका हुआ अकेला। यहाँ पे मम्मा है, हाँ कोने कोने में बैठे हो तुम, बहुत दूर दूर बैठे हो, वहाँ पब्लिक कुछ बैठी हुई वहाँ पे। ये शाम के वक्त ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन आप ये अंधेरा हो गया तो अंधेरे में इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम लोग आए तो चलो समुंदर के किनारे जाके आते सोचे हमने। ये है समुंदर का किनारा, लाइन से विला बना हुआ है, कौन इतना बड़ा खड्डा खोद के गया भाई यहाँ पे, हाँ किसी की मैयत गाड़ने का था कि किसी को, इतना बड़ा कुआं बना गया भाई। तो ये पुराने बोट है लेकिन ये रियल बोट है, कोई नकली बोट नहीं लगा के रखा, ये रियल बोट लग रही वहाँ पे भी रखा हुआ। South side already start now, maybe it will open January or February. South side means that side. Yeah. So this is closed though? Laguna, after Laguna. Achha, after Laguna they will open this. So they will demolish all this structure. Yeah. Oh. Naya bridge, naya project. Here? Yeah. Pura naya project. Pura naya bana rahe. Guys, ye yahan pe beach ke samne washroom banaya hai. Shower ke liye. तो गाइस अब सीन ऐसा है, यहाँ के सिक्योरिटी से हमने चेक किया है तो भाई बता रहे कि ये जितना कम्प्लीटली जो ये लोग डेमोलिश करने वाले हैं और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। हाँ ये मेरे पीछे जो है स्टोनिस खड़ा है और उसके बाजू में जैम्पा खड़ा है स्टोनिस और जैम्पा खड़े, तो भाई क्या कह रहे थे सिक्योरिटी वाले, क्या करे पूरा डेमोलिश कर देंगे? नया प्रोजेक्ट बनने वाला है, अभी पहले लामेर था, अभी बोल रहे हैं कि अभी नया प्रोजेक्ट कुछ आने वाला है, क्लबिंग वगैरह होने वाला होगा, यहाँ क्लब बनने वाला है, मोस्ट ऑफ द लाइक सब क्लबिंग भी होगा। और यानी इतना बड़ा जो जगह है, इतना खर्चा इस पे किया है, तो इसको डेमोलिश कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको कि कितना भी नुकसान हो जाए,
आप देख सकते हैं इतना यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे सारे बंद है, खाली हम ही भटक रहे हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट बंद है। यहाँ पे बहुत सारे शीशा शॉप हुआ करते थे, बहुत सारे कॉफ़ी शॉप हुआ करते थे, और इतनी पब्लिक इस टाइम में होती थी, आज यहाँ पे एक आदमी नहीं है। हमने सोचा शायद वही माहौल होगा यहाँ पे, तो हमने विजिट किया, लेकिन यहाँ पे आने के पता चल रहा है पूरा का पूरा जो है जगह सन्नाटा है। लामेर जो है कम्प्लीटली जो है बंद है। तो चलो वापसी करते हैं यहाँ से। कितनी खूबसूरत लग रही है जगह, लेकिन कहते ना भाई दुबई में पैसे की कमी नहीं है, एक प्रोजेक्ट बंद तो दूसरा प्रोजेक्ट चालू। ये कितना दिन पहले बंद कर दिया इसको? हाँ अभी रिसेंटली बंद किया ना इसको। अच्छा ये सारे शॉप्स बंद है, कितने सारे कैफेटेरियाज दे रहा हूँ, सारे के सारे बंद है, पूरे रेस्टोरेंट बंद है। तो देख यहाँ पे देखो ये भी सब शॉप, ये ना कॉफी शॉप है पूरे पूरे लेकिन संभाल के जाइए। पूरा बंद है बोला। ये होता है ऐसा स्ट्रीट था यहाँ पे जो है लोग पब्लिक जो है वॉक करते थे, शाम का जो है मजा लेते थे यहाँ पे। ये साइड में भी आप देख रहे कोई नहीं है, एक वक्त में यहाँ पे इतना रश हुआ करता था, आज देखो पूरा का पूरा खाली है। लामेर इज क्लोज्ड। तो गाइस फाइनली जो है हम पहुंच गए घर, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, दुआ में ज़रूर याद रखना। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।